नमस्कार, मैं मोनाली पांडे, स्वागत है आप सभी का जरा हटके में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुमताज की याद में शाहजहां ने उनके लिए उनके जाने के बाद भी ताजमहल बनवा दिया था। हालांकि वर्तमान के माहौल में ऐसा कमी सुनने को मिलता है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए ताजमहल उसे तोहफे में दे, या फिर उसके लिए बनवाए, या फिर कोई पति अपनी पत्नी को ताजमहल जैसी चीज गिफ्ट करे। लेकिन हाल ही में खबर आई है मध्य प्रदेश से, जहां शिक्षाविद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी को ताजमहल जैसा घर तोहफे में दिया है, जिसकी फोटोज देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके भी मुंह से निकल पड़ेगा कि वाह क्या ताज है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में रहने वाले शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी को ताजमहल जैसा घर तोहफे में दिया है। ये घर दिखने में पूरी तरह से ताजमहल लगता है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर के निवासी आनंद प्रकाश के अनुसार वो लंबे समय से इस घर को बनाने का सोच रहे थे। वहीं आज उनका ये सपना सच हो गया है। ये घर उन्होंने अपनी पत्नी मंजूषा के लिए बनाया है। इस घर में 4 बेडरूम, 1 किचन, 1 लाइब्रेरी और 1 मेडिटेशन रूम भी है। इस घर को बनाने में 3 साल का समय लगा। खबरों की माने तो प्रकाश चौकसे इस घर को बनाने से पहले ताजमहल अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे। वहां पर उन्होंने ताजमहल का बारीकी से अध्ययन किया। उसके बाद ये घर बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने कंसल्टिंग इंजीनियर प्रवीण चौकसे को सौंपी। प्रवीण चौकसे के अनुसार आनंद चौकसे ने उन्हें काफी कठिन काम सौंपा और ताजमहल जैसा मकान बनाने को कहा। स्वयं आनंद चौकसे और उनकी पत्नी मंजूषा चौकसे आगरा गए और वहां जाकर ताजमहल को देखा, फिर इंजीनियरों को ताजमहल जैसा ही घर बनाने को कहा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर घूमने आने वाले पर्यटक प्रकाश चौकसे के घर को देखना जरूर पसंद करते हैं और देखते ही उनके मुंह से निकलता है वाह क्या ताज है। और अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी जरा हटके के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।